हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिंटू सिंह। आप देख रहे हैं प्रगति फाउंडेशन स्टडी चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने पहले 8 से 10 वीडियो दी हैं, जिसमें मैथ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वीडियो थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्या सेकंड वीडियो है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी गेट्स की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके अनुसार आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट आए थे, जिसमें बताया गया कि आप एक रेजिस्टेंस पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेजिस्टेंस पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज करते हैं शुरू। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? अगर हम हिंदी में बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को बोला जाता अवरोधक। अवरोधक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार बात करें, अवरोध अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार बात करें, जो विद्युत धारा का अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लो विद्युत धारा इधर जा रही है, अगर हमने यहाँ से हमारी विद्युत धारा इधर जा रही है, अगर हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या करेगा, विद्युत धारा को रोकेगा, अर्थात अपोज करेगा विद्युत धारा का। आइए, रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। अगर इसके ओम की अगर हम प्रतीक की बात करें, तो ओम का प्रतीक होता है इस तरीके। और पहले हम जान लेते हैं ओम का नियम है क्या। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम आदर्श चालकों में धारा और वोल्ट के बीच संबंध स्थापित करता है। ओम का नियम आप लिख लीजिए, ओम का नियम किन्हीं आदर्श चालकों में वोल्टेज व विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। अर्थात मान लीजिए किसी भी विद्युत परिपथ में अगर हम आदर्श चालक पर बात करते हैं, आदर्श चालक के दोनों सिरों पर हमारा विभवांतर, हमारा कुल विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो कुल विभवांतर हमारा V है, इसमें हमारा दोनों सिरों पर कुल विभवांतर V है, वो हमारा अनुक्रमानुपाती होगा I के। अर्थात हम बोल सकते हैं V इक्वल टू R I, जहां पर R हमारा रेजिस्टेंस है, R हमारा रेजिस्टेंस, I हमारी इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा वी वोल्टेज, वोल्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी आदर्श चालक में ओम का नियम वोल्टेज व धारा के बीच संबंध व्यक्त करता है, यह संबंध स्थापित करता है। अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ये हमारी, मान लो इस तरीके से याद करने की ट्रिक है आपको, ये हमारा वोल्टेज होता है, यहाँ पर आई आर होता है, यहाँ पर आई होता है। तो हम कह सकते हैं, अगर हमें वोल्टेज निकालना हो यहाँ से, अगर हमें इस वाले, अब इस वाले चित्र पर आप ध्यान दोगे केवल, अगर हमें यहाँ से वोल्टेज निकालना हो वी, तो हम कह सकते हैं आई आर दोनों की गुणा हो रही है, तो आर और आई, इससे हमारा क्या होगा, वोल्टेज निकल जाएगा। अगर हमें निकालना हो आर, अगर हमें ये R निकालना है, तो हम क्या करेंगे, V ऊपर पहुंच गया, तो V ऊपर लिख दो, इससे नीचे एक बटे है, तो बटे लिख दो, और इसके नीचे I, इससे हम निकाल लेंगे V अपॉन I R। अगर हमें निकालना हो I, I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। अगर हम वोल्टेज विभवांतर की मात्रक की बात करें, तो विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट में, रेजिस्टेंस को हम आर
इस तरीके से मापते हैं, करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में। दोस्तों आइए इसके कुछ हम रोचक तथ्य की जानते हैं। आइए इसमें हम पता करते हैं हमारा ओम का नियम किस परिपथ में कहां पर यूज होता है और कहां पर यूज नहीं होता। आइए जानते हैं। अगर हम बात करें कि ओम का नियम कहां पर यूज नहीं होता, ओम का नियम कहां पर यूज नहीं होता, तो लिख लो ओम का नियम कहां प्रयोग नहीं होता, तो इसमें लिख लीजिए आप नंबर एक, जो जो कंपोनेंट यूज जो वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो प्रयोग के समय गर्म हो जाते हैं, वहां पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम सिलिकॉन 14 और जर्मेनियम 32, इन दोनों पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो हमारे अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब अर्धचालक, अर्धचालक जो हमारे अर्धचालक होते हैं, हीट के साथ वर्क करते हैं, हीट के साथ वर्क करते हैं, इसलिए हमारा इन पर ओम का नियम लागू नहीं होता। अर्थात जहां पर हमारे जिन कंपोनेंटों को बनाने में, जिन उपकरणों को बनाने में हमारे सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, वहां पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता, वहां पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता। अर्थात हम बोल सकते हैं डायोड, डायोड में हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तो हमारा यहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो आपने सबसे पहले लिख लिया सेमीकंडक्टर, दूसरे नंबर पर आप सेमीकंडक्टर में दो हैं ये दोनों को देख लेना, उसके बाद नंबर दो पर डायोड आ गया, डायोड को सही से यहां पर लिख देते हैं डायोड, और इसके बाद आप लिख सकते हो हीटर, नंबर थर्ड हीटर, जो आप लाइट द्वारा जो चलता है, बिजली द्वारा हीटर, उसके बाद चार नंबर पर लिख सकते हो बल्ब, ठीक है ना, बल्ब, उसके बाद आप जो आप प्रेस करते हो, जो आप प्रेस करते हो, वहां पर भी आपका ओम का नियम लागू नहीं होता। एक लिख सकते हो आप आर्क लैंप, आर्क लैंप। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट बोल देगा कि कौन से उपकरण पर ओम का नियम लागू नहीं होता, तो आप यहाँ पर 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आंसर दे दोगे, अगर आपको पता होगा कि ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता। आप ये भी लिख सकते हो कि वह उपकरण जो यूज करते समय गर्म हो जाते हैं, उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही क्या होते हैं, हीट के साथ वर्क करते हैं, इसलिए इन पर ओम का नियम लागू नहीं होता। अर्थात जहां पर ये जिन वस्तुओं को बनाने में, जिन उपकरणों को बनाने में ये यूज होते हैं, मतलब अर्धचालक, वहां पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिया कि ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। अर्थात एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ओम के नियम पर, ओम के नियम पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ओम के नियम पर मैं बताऊं आपको, अगर आपको वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, अगर आपको आई निकालनी है तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक मैंने आपको दी है, ये वोल्टेज होगा, ये आर होगा, ये आई होगा, आपको क्या निकालना? आई,
इसके अनुसार आई आपके यहां पर है तो आपका क्या होगा इधर वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, अर्थात वोल्टेज आपको 20 दे रखा है और रेजिस्टेंस 10 दे रखा है, ये कट जाएगा अर्थात 2 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा करंट, करंट 2 एम्पियर आ जाएगा। अर्थात इस तरीके के क्वेश्चन आपको छोटे, इस तरीके के छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा आपको एक क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, विद्युत हीटर का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, और नाइक्रोम का बना होता है, आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। अगर मैं बात करूं लीनियर ग्राफ की, लीनियर ग्राफ इसको मिटा देते हैं और इसके बाद लीनियर ग्राफ की बात करते हैं हम, वोल्टेज और करंट के बीच लीनियर ग्राफ, वोल्टेज व करंट के बीच लीनियर ग्राफ, ग्राफ ठीक है ना, इसमें लीनियर ग्राफ निकालते हैं। दोस्तों अगर हम लीनियर ग्राफ की बात करें तो यहां पर हमारा वोल्टेज करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वोल्टेज अनुक्रमानुपाती होगा आई, हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा ठीक है। दोस्तों इसके कुछ और नियम है वो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो हमारा वोल्टेज सॉरी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है एल के, अर्थात किसी भी तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। नंबर दो, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहां पर सेकंड नंबर, और ए हमारा हो ए इक्वल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात लिख देते हैं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसमें हमारी एक टेबल है जिसको आपको रखना नहीं है, याद करवा दूंगा मैं आपको, जिसमें आपको याद करना बी बी रोए, बी बी आर ओ वाई रोए, बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नो कलर, और आपको यहाँ पर डिजिट वन में 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब भूरा कलर अगर ब्राउन है उसके लिए कलर मतलब डिजिट फर्स्ट 1 होगी, रेड के लिए 2, नारंगी के लिए 3, इसी प्रकार डिजिट 2 में ये सब कुछ दे रखा है। गुणांक में हम काले के लिए 10 के पावर 0, फिर 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 6, इस तरीके से गुणांक होते हैं। सहनशीलता इधर लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं आपको किसी की भी, मान लो हमारे पास दिया हुआ हमें 25 गुणा, देख सकते हैं कि दो नंबर का हम हाथ पर देखना, दो नंबर तो जीरो होता ही है, एक दो, दो नंबर बी बी आर, बी बी रोय मतलब दो नंबर आ गया रेड के लिए, फिर पांच नंबर देखना, 0 1 2 3 4 5, पांच नंबर यहां आ रहा बी बी आर ओ वाई, फिर ग्रेट जी मतलब ग्रीन के लिए आ जाएगा हरा, फिर 10 की घात 3, 10 की घात 3 कहाँ आएगा, यहाँ 0 आता, यहाँ पर 1 आता, 2 आता, 3 आता, 10 की घात 3 यहाँ आएगा, बी बी आर ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, तो ये हो जाता हमारा इसका। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे 10 की 2 0, पहले डिजिट 2 मतलब देख लो 0 1 2, 2 मतलब बी बी आर मतलब रेड हो जाएगा रेड, उसके बाद 0 0 मतलब ब्लैक, सी के ब्लैक, उसके बाद 10 की घात 2, 0 1 2 ठीक, बी बी आर, बी बी आर, अगर 10 की घात 2 मतलब किसमें आएगा रेड में।
तो इस प्रकार अगर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके की कोडिंग दी हुई होती है उसमें, ये इस तरीके से कोडिंग होती है, तो हमारी ये रेड होगी, ये ब्लैक होगी और ये फिर रेड होगी। उसी प्रकार सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन 2 5, 2 हमारा किस में कोड होता है, रेड का, 2 रेड। उसके बाद 5 कितने नंबर पर होता, 5 नंबर पर, 0 1 2 3 4 5, BBROY, फिर ग्रीन, ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद 10 की घात 3, 10 की घात 3 किस में होता है, B 0 1 2 3, BBRO, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। ये हो गया इसका, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, एक बार ऊपर भी दिखा दिया था, दोबारा से ये रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 1 × 10⁴, 3 3 की डिजिट आप देख लो, 3 कितने नंबर पर आता, 0 1 2 3, यहाँ होता BBRO मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी। फिर उसके बाद होता है 1 1 0 1, फिर BB मतलब एक तो हो गया ब्लैक, फिर ब्राउन मतलब भूरा, इसमें तीन तीन नारंगी के लिए एक भूरा, भूरे के लिए मतलब ब्राउन। 10 की घात 4 की बात करें तो 0 1 2 3 4, 4 यहाँ आता है येलो, येलो कलर मतलब पीला, पीला कलर हो जाएगा, ये इसके 3 कलर हो जाएंगे। उसके बाद 32 के लिए देख लेते हैं हम, 3 के लिए होता है नारंगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। 2 के लिए क्या होता है, 0 1 2, BBROY रेड, 2 के लिए होता है रेड। फिर उसके बाद 10 की घात 3, 0 1 2 3, BBRO, BBRO मतलब ऑरेंज नारंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये होमवर्क में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, तरक्की कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।